कांग्रेस तो हार चुकी है, सिर्फ चंदन क्यारी या धनबाद ही नहीं पूरा देश हार चुकी है। इस बार चंदन के देश में कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आएगी, ये कांग्रेस को भी पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है और आरजेडी को भी पता है। इस झारखंड में 50 लाख आबादी दलितों की है, 12 मंत्री होते हैं, एक भी मंत्री दलित का नहीं बना करके दलितों का अपमान किया। वो कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ना संविधान खतरे में है ना लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है भ्रष्टाचारी और वंशवादी लोग जिनका ये आखिरी लड़ाई है, और इस आखिरी लड़ाई में इस भ्रष्टाचारी वंशवादी तुष्टिकरण करने वाले पार्टियों का समूल नाश भारत की जनता करने वाली है। एक वो कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है हिम्मत है हिम्मत, लेकिन किनका है? भ्रष्टाचारियों का है, तुष्टिकरण करने वालों का है, अपने जो है चोरों का है, अपने दलालों का है। हमारे पास हिमंता है और हिमंता विश्व शर्मा है तो हिम्मत है, और हिम्मत यहाँ अपने हिंदू समाज का है। उनके पास चोर और लुटेरों का सरगना हेमंत सोरेन है तो हमारे पास सनातन का झंडा उठा करके आगे बढ़ने वाला हेमंता विश्व शर्मा है। इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, आपने लक्ष्य रखा है चंदन क्यारी से 2 लाख पार का वोट दे करके अपने ढोलू भैया को हम लोग सांसद बनाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यह झारखंड, ये झारखंड के 14 की 14 सीटें जीतने के लिए हम मैदान में हैं। झारखंड की लूट को, झारखंड के भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम लगातार चंदन क्यारी सहित पूरे झारखंड के विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ विकास की राजनीति करने वाले मोदी जी हैं, जिन्होंने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11 से निकाल करके 5वीं अर्थव्यवस्था पे लाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार है जो तुष्टिकरण भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति में फंसे हुए हैं। ये सरकार लगातार 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही की है, और भ्रष्टाचार करने के कारण एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर चले गए, एक मंत्री जो कैबिनेट मंत्री है जो कांग्रेस विधायक दल का नेता है आलमगीर आलम साहब के नौकर के घर, चाहे उनके पीए के नौकर के घर से 35 करोड़ मिला और वो भी जेल के अंदर है। ये आपको लूटने के लिए आए हैं, आपको बताने के लिए आपके वोट को लेकर के ये सिर्फ लूट करके अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। चंदन क्यारी उसमें बाधक बनकर खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें बाधक बनकर के खड़ा है, और हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात ध्यान दिलाना चाहते हैं, एक सर्वे आया है, उस सर्वे उस रिपोर्ट के अनुसार देश के अंदर 49 साल में हिंदुओं की आबादी इस देश में जहां 8% घटी है वहीं मुस्लिम आबादी 45% बढ़ी है। आज कांग्रेस के लोग बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को यहां जमाई बना करके उनका खातिरदारी करके तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। आज अंकित पांडे की हत्या हो जाती है, आज कहीं हमारा सरस्वती पूजा का जुलूस निकलता है उसमें बाधा पहुंचाता है, हम कहीं पर्व त्योहार करने जाते हैं वहां दंगे करवाने की साजिश होती है। ए हम एक आम झारखंड की धरती में होना चाहिए क्या? होने देंगे क्या? चंदन क्यारी ने कसम खाया है कि हम लोग कभी ये होने नहीं देंगे। इसके बारे में विशेष रूप से अपने आदरणीय हेमंत दादा बताएंगे। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस तो हार चुकी है, सिर्फ चंदन क्यारी या धनबाद ही नहीं पूरा देश हार चुकी है। इस बार चंदन के देश में कांग्रेस की 40 सीटें भी नहीं आएगी, ये कांग्रेस को भी पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी पता है और आरजेडी को भी पता है। इसलिए गलत बातें बोलना, संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। जिन्होंने इमरजेंसी लगा करके देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को लगातार उपेक्षित करने का काम किया, जिन्होंने इस झारखंड में 50 लाख आबादी दलितों की है, 12 मंत्री होते हैं, एक भी मंत्री दलित का नहीं बना करके दलितों का अपमान किया, वो कहते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ना संविधान खतरे में है ना लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है भ्रष्टाचारी और वंशवादी लोग जिनका ये आखिरी लड़ाई है, और इस आखिरी लड़ाई में इस भ्रष्टाचारी वंशवादी तुष्टिकरण करने वाले पार्टियों का समूल नाश भारत की जनता करने वाली है। दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए हम हेमंत दा को सुनेंगे। हेमंत विश्व शर्मा जी है, एक वो कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है,
हेमंत है, हिम्मत है, है हिम्मत, लेकिन किनका है? भ्रष्टाचारियों का है, तुष्टिकरण करने वालों का है, अपने जो है चोरों का है, अपने दलालों का है। हमारे पास हिम्मता है और हिम्मता विश्व शर्मा है तो हिम्मत है, और हिम्मत यहाँ अपने हिंदू समाज का है, आपका और हमारा है, सनातन का है। उनके पास चोर और लुटेरों का सरगना हेमंत सोरेन है, तो हमारे पास सनातन का झंडा उठा करके आगे बढ़ने वाला हेमंत विश्व शर्मा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, मैं ही बुलाना चाहता हूँ, एक बार जोरदार अभिनंदन के साथ, सिंह गर्जना के साथ, भारत माता की, भारत माता की, स्वागत है भाई, स्वागत है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.